नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे। तो हर रोज की तरह आज भी मैं क्रिप्टो न्यूज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। क्रिप्टो करेंसी टैक्स में CBDT जो है वो FAQ रिलीज करने वाले हैं, वो भी जून में यानी कि इसी मंथ। बाइनांस US जो है वो लॉन्च करेंगी हाई यील्ड क्रिप्टो स्टेकिंग को सोलाना, एवलॉन्च एंड मेनी अदर क्रिप्टो करेंसीज के लिए। पेपाल प्लेटफॉर्म जो है उसने अलाउ कर दिया है कि जो यूजर्स हैं उससे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बिटकॉइन एंड इथेरियम को एक्सटर्नल वॉलेट्स। इसके साथ ही आज सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे आखिर में कि इथेरियम 2.0 जो है उसमें होने वाला है कुछ न्यू। क्या वो न्यू लेके आया है? इथेरियम का जो रॉबस्टन टेस्टनेट है एंड द मर्ज है, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये तो थी आज की क्रिप्टो हेडलाइंस। अब बात करते हैं आज की पहली खबर के बारे में। तो जो FAQ है, लिस्ट है जो क्रिप्टो करेंसी टैक्स की, वो रिलीज होने वाली जुलाई से पहले, जुलाई 1 से पहले रिलीज करने वाले हैं, ऐसा कहना है CBDT के चेयरपर्सन संगीता सिंह का। और जून 7 को उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और उनके जो रिमार्क्स हैं, वो इवेंट एक जो होस्ट हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में न्यू दिल्ली में, उसके जरिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है जो कि एक पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आइकॉनिक वीक का। इसके साथ ही वो इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं प्रतिध्वनि ईबुक से भी। और इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्ड में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रिस्पॉन्ड में उनका कहना है, CBDT चेयरपर्सन का कहना है कि वो ये FAQs के ऊपर काम कर रहे हैं और जिसको लेके क्रिप्टो के बारे में वो कुछ क्लैरिटी हमको देंगे और जल्द ही इसको 1 जुलाई से पहले रिलीज करने की पॉसिबिलिटीज है। न्यू क्रिप्टो करेंसी टैक्स रिजाइम के अंडर जो कि इफेक्टिव हो चुका है अप्रैल 1 को, कोई भी इनकम जो कि आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट में जनरेट होने वाली है उसके ऊपर 30% का टैक्स लागू होने वाला है। और ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उससे ये इंडिकेट कर दिया है, मार्च को ही इंडिकेट कर दिया था कि जो 30% क्रिप्टो करेंसी टैक्स है उनको प्लान किया जा रहा है यूनियन बजट में, और ये अप्रैल 1, 2022 को इफेक्टिव हो चुका है। इसके साथ ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर जो ट्रांजैक्शंस है उनके ऊपर भी कड़ी नजर रखी जाएगी, उनको भी चेक किया जाएगा। CBDT जो कि अपेक्स अथॉरिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने डायरेक्ट किया है इनकम टैक्स एम्प्लॉयज को ताकि वो ट्रांजेक्शन को ऑडिट कर सकें। इसके साथ ही बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। बाइनांस US जो कि अमेरिकन एफिलिएट है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने ऑफर किया है क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने यूजर्स के लिए। जी हाँ, ये मूव उन्होंने लिया है। इसमें जो कंपनी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेटिव बन सके US बेस्ड राइवल्स के अगेंस्ट, जैसे कि Coinbase। स्टेकिंग सर्विसेज जो है वो अब अवेलेबल होगी बाइनांस US कस्टमर्स के लिए, जिसमें वो होल्ड कर पाएंगे कोई भी 7 सिलेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसीज को। अब इनमें कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी जो 7 है वो इंक्लूड है, वो है बाइनांस कॉइन यानी BNB, सोलाना यानी कि SOL, एवलॉन्च यानी कि अवेक्स, कोसमोस यानी कि एटम एंड द ग्राफ, GRT, लाइपियर LPT एंड ऑडियस यानी कि ऑडियो। ट्विटर अकाउंट के अकॉर्डिंग इसके अलावा और भी मोर ऑप्शंस को लाने की, फ्यूचर में लाने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। प्रूफ ऑफ स्टेक जो कि एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसे यूज किया जाता है कई ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के अंदर, जिसके लिए जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है यूजर्स की, वो लॉकअप करते हैं अपने क्वाइंस को जिससे परमिशन मिलती है नेक्स्ट ब्लॉक को वैलिडेट होने के लिए। तो अब जब ये वैलिडेट होता है तो यूजर्स जो है वो एक रिवॉर्ड को अर्न करते हैं जो कि टाइड होती है ट्रांजेक्शन फीस जो कलेक्ट की जाती है उस ब्लॉक से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने क्वाइंस यूजर्स के लॉकअप में होंगे उतने ही चांसेस होंगे कि ब्लॉक जो है वो वैलिडेट होगा एंड उसके जरिए ये जो रिवॉर्ड्स हैं ये जनरेट होंगे। तो इस स्टेकिंग के लिए कुछ कमीशन भी चार्ज की गई है। ये जितनी भी फैसिलिटीज, ये स्टेकिंग रिक्वायरमेंट आपको प्रोवाइड की जा रही है उसके ऊपर कुछ कमीशन भी लिया जाएगा। तो बढ़ते अगले खबर की तरफ। पेपाल प्लेटफॉर्म जो है उसने ट्यूजडे को एक अनाउंसमेंट कर दी है, क्रिप्टो यूजर्स जो है अब अपने फंड्स को मूव कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये लॉन्ग अवेटेड फीचर है जो फाइनली इस कंपनी ने, इस प्लेटफॉर्म ने ऑफर कर दिया है क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज के लिए। आज से यानी कि 8 जून से पेपाल ने सपोर्ट किया है नेटिव ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को पेपाल, अदर वॉलेट्स एंड एक्सचेंजेस के बिटवीन में, ऐसा कहना है फाइनेंशियल जियान का। उन्होंने एक स्टेटमेंट में ऐसा बताया। इसके साथ ही जो एबिलिटी है कंडक्ट करने की एक्सटर्नल ट्रांसफर्स को पेपाल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर, अब यानी कि जो यूजर्स है वो रोल आउट कर पाएंगे, वो यूज कर पाएंगे इस फैसिलिटी को आज से। और ये अवेलेबल होगा US में भी नेक्स्ट वीक और 2 वीक्स के अंदर। तो पेपाल की अगर मैं बात करूं तो इसने फर्स्ट जो क्रिप्टो ऑफर किया था वो लॉन्च किया था 2020 यानी कि आज से 2 साल पहले, जिसमें यूजर्स जो है वो बाय कर सकते थे, सेल कर सकते थे एंड होल्ड कर सकते थे 4 क्रिप्टो करेंसी को, जिसमें इंक्लूड था बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कैश एंड लाइटकॉइन। बट अपने फंड्स को वो मूव नहीं कर सकते थे एक्सटर्नल डेस्टिनेशंस के लिए, जैसे कि मेटामास्क, कॉइनबेस और हार्डवेयर वॉलेट्स। फाइनली अब यूजर्स जो हैं उनको ये फैसिलिटी मिल गई है पेपाल की तरफ से, अब वो इस चीज को, इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं पेपाल सर्विस की हेल्प से।
तो फाइनली हम बढ़ते हैं आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो मर्ज है वो फास्ट अप्रोचिंग है। विटालिक बुटेरिन ने क्लेम किया है कि अगस्त में वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन है बाय मार्केट कैप के द्वारा, वो फुली यानी कि कम्प्लीटली शिफ्ट करने वाली है खुद को प्रूफ ऑफ स्टेक में यानी कि POS में। जी हाँ, एक मीन टाइम में जो इथेरियम के डेव नेट्स हैं एंड टेस्ट नेट्स हैं वो हेल्प करेंगे इस चीज को सपोर्ट करने में, ताकि एक स्मूथ एंड सक्सेसफुल ट्रांजिशन को किया जा सके। अब इसमें से एक टेस्ट नेट यानी कि रॉबस्टन जो है वो रन करेगा इस मर्ज को June 8 यानी कि आज 2022 में, और ये फॉलो करते हैं सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट को ऑफ द न्यू रॉबस्टन बीकॉन चेन जो कि May 30 में आई। तो रॉबस्टन के बाद दो और टेस्टनेट ऐसे हैं जिनको ट्रांजिशन में लाने की पॉसिबिलिटी है, जो कि कमिंग वीक्स में आ सकती है। इसके साथ ही इसके रिसेम्बलिंग में जो मेन नेटवर्क है रॉबस्टन का, वो मर्ज होगा और वो हेल्प करेगा कोर डेव्स को, ताकि वो प्रिपेयर कर सके एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन को इसी साल के एंड तक। इसके साथ ही ये लेके आएगा एक ग्रेटर फैमिलियरिटी को अपग्रेड प्रोसेस के लिए, और अब ये देखना होगा कि ये जो एग्जीक्यूशन लेयर है इथेरियम 1 एंड कंसेंसस लेयर है जो इथेरियम 2, ये इन दोनों को करने वाला है कंबाइन, वो भी एक सिंगल एंड यूनिफाइड चेन के साथ। तो यानी कि इसका जो फुल ओवरव्यू है रॉबस्टन मर्ज अनाउंसमेंट प्रोसेस का, वो आउटलाइन किया जाएगा इथेरियम के फाउंडेशन के द्वारा। तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है इसको लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप स्क्रीन पर ये जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।